इस वक्त की एक बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, जो यूपी के जनपद बहराइच से आ रही, जहां कोरोना टेस्ट में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, बहराइच जिलाधिकारी ने आनन फानन में आपातकालीन बैठक भी की है। आपको बता दें, बहराइच में कोरोना की दस्तक के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है, लगभग 121 लोगों की रिपोर्ट के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजी गई थी, जिसमें से 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर कही जाएगी, जो आप सभी दर्शकों को यूपी के जनपद बहराइच से बता रहे हैं, जहां कोरोना टेस्ट में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दस्तक के बाद बहराइच जिले में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर हमारे सहयोगी नूरआलम वारसी जुड़ चुके हैं। नूरआलम, बहराइच में 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, क्या इससे पहले भी कोई केस सामने आ चुके हैं, या फिर जो 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बस यही? ये बिल्कुल हफीज, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं था कोरोना पॉजिटिव का, लेकिन कल देर रात ये 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक जिले में हड़कंप मच गया। वहीं इस खबर के सुनते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जी नूरआलम, मेरा दूसरा प्रश्न, बताया जा रहा है बहराइच जिलाधिकारी शंभू कुमार ने आपातकालीन बैठक भी की है, आखिर क्या कुछ हुआ इस बैठक में बातचीत की? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि कोरोना 8 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं आपातकालीन बैठक सीएमओ ऑफिस में बुलाई गई, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जी ठीक है, इन सब तमाम जानकारी के लिए नूरआलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास रिपोर्ट आई है, 8 का निगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तभी अभी हम लोग जो है इसी पर बैठक कर रहे थे, पूरे उसको जांच करके वो अगले जो कार्यक्रम है उसको बनाया गया है, और जैसा भी होगा ईडी साहब से संपर्क किया गया है। और सिम्टम बैठक हुई अभी आप? हमारे सीडीओ साहब थे, सीमो साहब थे, सीआरओ साहब थे, और डिप्टी सीमो थे, एडिशनल सीमो थे, इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल मैनेजर, हम लोग सभी मिलकर के यहाँ पे जो है सब डिसाइड किए हैं। आगे पीएम साहब का सभी सीमो साहब गए हुए सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स क्या थे इन लोगों में जिनमें 8 हो चुके? सिम्टम में कोई नहीं था, एक्सीडेंटली इन लोगों को जो है रह गया था, जिन पर संदिग्ध समझ करके और लाकर के इनको जो है जांच करेगी। यानी ये जो 8 पॉजिटिव निकले हैं, ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे इनमें, उनमें निकला है? हाँ, कोरोना सिम्टम नहीं थे, और उनको जो है मतलब सिर्फ उसमें संदिग्ध के उसमें इनको कराया गया था, और स्पॉटेड जो है जगह जगह से जो है जिन पर सब पूरा दिल्ली से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है, उन्हीं में से निकले हैं, उनको लाकर के हमारे यहाँ जो भर्ती कराया है उन्होंने क्वारंटाइन वार्ड में, जिसमें 6 पेशेंट अभी हमारे हैं। ये और जानना चाहेंगे, इन लोगों के संपर्क में काफी लोग आए होंगे, अभी तमाम अफसरों ने इनको जांचा होगा या फिर सीएससी स्टाफ ने जांचा होगा? ये तो बात की बात है, उन्होंने तो इसके लिए आएगी कहाँ कहाँ रहने वाले क्या है वहाँ पे स्टाफ से गया कि होगा। अभी तक तो कोरोना के लिए हम लोग सिम्टम्स सुन रहे थे, लेकिन आज बहराइच में 8 केस निकले हैं, 8 में सिम्टम्स नहीं मिले हैं, ये कितना खतरनाक है? ये सिम्प्टोमेटिक केस बहुत सारे मिल रहे हैं, इसमें मतलब कोरोना पॉजिटिव है लेकिन ये सिम्प्टोमेटिक है, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है कि कुछ छुपने ना पाए और सभी की लगभग जाँच हो जाए, और जो भी पॉजिटिव केस है उनको आइसोलेट करके उनका जो क्वारंटाइन करके रखा जाए उनको, और उनका अगर सिम्टम आता है तो उसको इलाज किया जाए। ये कहाँ से रिपोर्ट आई है, ये जांच कहाँ से होकर के आई है? रामनोलोहिया से। अच्छा, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई है वो केजीएमयू से आती थी, और ये रिपोर्ट जो आई रामनोलोहिया में भी खुल गया है तो वहाँ भी आ गया? नहीं, तो पहली बार ये जो रिपोर्ट आई है राम मनोहर लोहिया से आई है तो पॉजिटिव आई है, और अब तक जो भी केजीएमयू से आती थी, तो क्या जो पहले जांच कराई गई है वो क्या उसमें भी फिर से जांच होगी लोगों की? ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज सुविधा वहाँ है वही सुविधा यहाँ भी है, अभी यहाँ फैसिलिटी दी गई है। एक पहले सारे केस लगभग निगेटिव थे और इधर पॉजिटिव आए हैं। नहीं तो राम मनोहर लोहिया से जो जांच होकर के आई है उसमें ये निगेटिव 8 निकले हुए हैं, और अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई है वो केजीएमयू से आ रही थी, वहाँ और भी जांचें गई हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, 8 लोगों का उन्होंने भेजा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। सीएमओ साहब एक बात हो जाए, इनके संपर्क में काफी लोग आए होंगे, सीएमओ साहब से ले सकते हैं, बता पाए? सीएमओ साहब से हम लोग पूछे, चूंकि ये भर्ती आपके यहाँ, ये जाना चाहिए इनके संपर्क में जो